नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1, तो उसके गद्याखंड का 6 अध्याय हरिशंकर प्रसाई, और इनके द्वारा जो रचित रचना है जिसका नाम है, जो कि एक महान गद्यकार रहे हैं प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के फटे जूते इनकी रचना का नाम है, तो उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हरिशंकर जी परसाई हैं उनका जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन कर लें, क्योंकि हमारा जो अध्याय है या जो हमारा जो विषय है उसमें जो हमारी परीक्षा होती है, तो परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र में लेखक परिचय भी रहता है। तो चलिए लेखक का जो परिचय है कि किस प्रकार से हरिशंकर प्रसाई जी ने अपना योगदान दिया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत हिंदी लेखन में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं अपनी कि हरिशंकर प्रसाई का जो जन्म है सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानीगा में हुआ। अब जो हरिशंकर प्रसाई जी है ना, उनका जो जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है उसके जमानीगा में हुआ था। ये गांव का नाम है जमानी। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, स्नातकोत्तर कहते हैं इसको। तो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और कुछ दिन तक अध्यापन कार्य किया, अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम भी किया था। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। अब ये सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे थे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। अब वसुधा पत्रिका इन्होंने ही निकाली थी यानी कि संपादन किया है, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। अब देखिए 1922 में जन्म है इनका और 1995 के अंदर इनका निधन हो गया है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अब व्यंग्य लेखकारों में इनका नाम अग्रणी माना जाता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में इनका निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि व्यंग्य संग्रह है, ये उल्लेखनीय है। और इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं जिनको हमने पढ़ा है, जिनकी जानकारी हमने ली है, तो ये हिंदी व्यंग्य जो लेखक के रूप में अग्रणी रहे हैं। तो व्यंग्यात्मक जो शैली है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। तो भारतीय जीवन के जो पाखंड हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो अंतर्विरोधी, जो बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। अब भारतीय जीवन के अंदर देखिए पाखंड किस प्रकार से फैला हुआ था, भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ था, और अंतर्विरोध की जो भावना वो कैसी थी, बेईमानी आदि जो है, तो उस पर इन्होंने व्यंग्य लेख लिखे हैं। और शोषण के विरुद्ध जो साहित्य की क्या भूमिका है, तो उसका निर्विवाद कह सकते अपने निर्वहन किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। अब ये उनका जो व्यंग्य लेखन है वो परिवर्तन की चेतना पैदा कर रहा है कि किस प्रकार से जो पाखंड हैं उनसे छुटकारा मिले, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, जो अंतर्विरोध है उनको दूर किया जा सके, और बेईमानी को ईमानदारी में किस प्रकार से बदला जा सकता है बेईमानी को त्यागते हुए। तो कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब केवल इसमें हास्य ही नहीं है, बल्कि यह जो व्यंग्य है वो एक आदर्श पक्ष की उपस्थिति जो है वो भी दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। अब चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक पाखंड हो, तो उनके ऊपर लिखे गए जो उनके व्यंग्य हैं वो व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण करते हैं।
कि जो साहित्य में व्यंग्य लिखे जाते हैं उनका भी कोई मानक होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। पर साई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं वे सामान्य जो बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन संरचना के अनूठेपन के कारण से जिस प्रकार से वो शब्दों का चयन करते हैं और किस प्रकार से वे अपनी बात को कहते हैं उसके तरीके के कारण से उनकी जो भाषा है वो मारक क्षमता को लिए हुए होती है और उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते, अब जो हम रचना पढ़ने वाले हैं ना, तो प्रेमचंद के फटे जूते, अब देखिए फटे जूते से सीधा स्पष्ट हो रहा है कि प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए हैं। तो ये शीर्षक निबंध में प्रसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अब देखिए प्रेमचंद जो एक महान उपन्यासकार थे, गद्यकार कह सकते हैं इनको, कहानीकार थे ये, जिनको आज भी याद किया जाता है प्रेमचंद जी को, इनकी जो रचनाएं हैं वो यथार्थवादिता पर आधारित थी, जिसमें कृषक जो है, मजदूर वर्ग है, इनकी जो वेदना है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इसी कारण से जो प्रसाई जी हैं उन्होंने प्रेमचंद जो हैं उनके व्यक्तित्व की जो सादगी है उसके साथ में एक रचनाकार की जो अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि है उसका विवेचन किया है, और आज का जो दिखावटीपन जो है, दिखावे की प्रवृत्ति जो है, और जो अवसरवादिता है कि अवसर के अनुसार जो है हर कोई अपने आप को ढालने का प्रयत्न करता है, तो ऐसी अवसरवादिता पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो इनके द्वारा लिखी गई रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसमें किस प्रकार से प्रेमचंद की सादगी का वर्णन किया गया है और किस प्रकार से सामाजिक जो दृष्टि का विवेचन है वो दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है और किस प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है, तो ये सब जानने के लिए तो चलते हैं आगे, बढ़ रहे हैं हम इनकी जो रचना है प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से। प्रेमचंद एक चित्र का एक चित्र मेरे सामने है। अब प्रेमचंद जी हैं तो उनका चित्र जो है उनके सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं। अब पत्नी के साथ में वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए हैं प्रेमचंद। अब प्रेमचंद का जो आर्थिक, अपने कह सकते हैं ना, पारिवारिक जो जीवन है तो वह ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो उसमें जो है वे धनवान नहीं थे, गरीब थे, निर्धन था, इनका सामान्य परिवार था। तो प्रेमचंद का चित्र उनके सामने है, हरिशंकर जी के सामने है, प्रसाई जी के सामने है, तो पत्नी के साथ वो फ़ोटो खिंचा रही हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। अब सिर के ऊपर इन्होंने मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, कुर्ता और धोती पहना हुआ है, कनपट्टी चिपकी है। अब कनपट्टी मतलब कि कान के ऊपर एक पट्टी जो है वो चिपकी हुई है, गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं। अब कनपट्टी यानी कि अपने देखते हैं ना कि माथा जो है तो कम, या कह सकते हैं कि ये काफ़ी कृश शरीर के हैं, जिसके कारण से जो गालों की हड्डियाँ वो उभर के सामने आ गई हैं, पर घनी मूंछें चेहरों को भरा भरा बतलाती हैं। अब मूंछें बड़ी बड़ी हैं जिसके कारण से चेहरा भरा भरा हुआ सा लग रहा है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। अब कैनवस मतलब कि एक प्रकार की जो रबड़ है उसके जूते पहने हुए हैं, और उनके बंद जो हैं, बंद कहते हैं फीतों को, कि जो फीते हैं वो बेतरतीब बंधे हुए हैं, यानी कि सही ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। अब लेखक इसमें बता रहे हैं कि लापरवाही के कारण से, अब उनको अपना कोई सुध-बुध नहीं है प्रेमचंद जी को, क्योंकि बाहरी दिखावा नहीं है इनके अंदर, बाहरी आडंबर का भाव नहीं है, बल्कि ये जो अपने कह सकते हैं कि वास्तविक जो धरातल है, जो वास्तविकता है, उससे जुड़े हुए हैं। तो ये इसमें लेखक कहता है कि लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के जो सिरे हैं, यानी कि फीतों के जो सिरे हैं जिनके ऊपर लोहे की पतरी लगी रहती है, वो निकल गई है, और छेदों में, अब जो जूते के छेद हैं ना उन, तो उनमें बंद डालने में, फीते डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब बंद यानी कि फीतों को कैसे भी कस लिया गया है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अब देखिए, अब पहले तो ऊपरी भाग का वर्णन किया था कि सिर पे टोपी पहनी हुई है, कुर्ता धोती पहना हुआ है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आते हैं, पैरों की तरफ देखते हैं, तो लेखक देखता है कि उनके जो दाएं पांव का जूता है वो तो ठीक है,
लेकिन बाएं पांव का जो जूता है उसमें बड़ा छेद हो चुका है और जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है, झांक रही है। अब लेखक को ये देखकर काफ़ी अटपटा लगा, आश्चर्यचकित करने वाला था कि ये कितना महान जो लेखक है तो उसके पैरों में जूते जो हैं वो फटे हुए हैं और उसमें से उंगली झांक रही है। तो इन्होंने किसी प्रकार से यत्न नहीं किया कि जूता ठीक कर सकें, या जूता अगर नया और नहीं है तो अपनी धोती से या किसी प्रकार से उसको ढक लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखक क्या विचार करता है इस बारे में। तो मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब देखिए, लेखक की दृष्टि अटक गई है तो अपनी भी दृष्टि अटक सकती है, क्योंकि अपने किसी को अगर देखें कि अच्छे ऊपर से तो कपड़े ठीक ठाक पहने हुए हैं लेकिन जो जूते हैं फटे हुए हैं, तो अपनी दृष्टि वहीं पर अटक जाती है जहाँ पर कोई कमी होती है। तो इसी प्रकार से लेखक ने उनके फटे हुए जूते पहने हुए देखा तो वहाँ पर उनकी जो दृष्टि है वो अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये आए हैं, ऐसी पोशाक है इनकी, तो पहनने के लिए कैसी होगी, यानी कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और किसी प्रकार का इन्होंने दिखावा नहीं किया है। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। अब लेखक मन में विचार कर रहा है कि इस आदमी के पास में मतलब प्रेमचंद जी के पास में अलग अलग पोशाक नहीं होंगी, पोशाक मतलब जो वस्त्र हैं वो नहीं होंगे, इसलिए इसमें इनको पोशाक बदलने का गुण भी नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। यह है मतलब कि प्रेमचंद जी जो हैं वो बाहरी दिखावा नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, जैसे हैं वैसे का वैसे वो फ़ोटो में खींचे जाना चाहते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर निकल रही है और दिख रही है। अब मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, अब लेखक के सामने फ़ोटो है, फ़ोटो में वो देख रही है सारा कुछ, तो कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, मेरे साहित्यिक पूर्वज, क्यों मैंने आप ही से प्रेरणा ली है साहित्य की, कि तुम्हारा जो जूता फट गया और उसमें से उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें ये मालूम है या नहीं है, क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं, ज़रा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। अब देखिए, लेखक प्रश्न पूछ रहा है प्रेमचंद जी से तस्वीर के माध्यम से कि क्या आपको ज़रा भी इसका एहसास नहीं है, क्या आपको ज़रा भी पता नहीं लगा कि आपका जो बाएं पैर का जूता है फटा हुआ है और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है, क्या आपको ज़रा भी लज्जा नहीं है, संकोच नहीं या झेप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अब देखिए, लेखक सुझाव दे रहे हैं कि क्या आप ये नहीं जानते कि धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो आपकी ये जो उंगली बाहर निकली हुई है तो वह ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अब लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने फ़ोटो जो खिंचवाई है उसमें उनके जो बाएं पैर की जो उंगली है वो जूते में से बाहर दिख रही है, लेकिन फिर भी जो प्रेमचंद है वो बेपरवाह है, उनको किसी की परवाह नहीं है लोग क्या सोच रहे होंगे, और उनके चेहरे के ऊपर एक विश्वास का जो भाव है वो दिखाई दे रहा है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब देखिए, जब आप कहीं भी फोटोग्राफर के पास जा रहे हैं, फोटोग्राफी करवा रहे हैं अपनी, तो पहले रेडी प्लीज कहता है कि आप तैयार हो जाइए, फिर कहता है मुस्कुराने के लिए कहता है कि थोड़ा मुस्कुराइए ना, स्माइल प्लीज कहता है ना इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से फोटोग्राफर ने उनको भी कहा होगा, और जब कहा था तो वे भी परंपरा के अनुसार थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दर्द का गहरा कुआं है, किस प्रकार से उनकी विपन्न स्थिति है, तो दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी हुई मुस्कुराहट को धीरे धीरे जब खींच रहे हैं ऊपर की ओर निकाल रहे हैं तो बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान कि ना ही तो वो पूरा हंस रहे हैं और ना ही वे शांत हैं, तो यह अधूरी मुस्कान है, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब देखिए, लेखक को ये भाव आ रहे हैं कि ये मुस्कुराहट नहीं है, इसमें एक मजाक है, हंसी उपहास कहते हैं अपने वो है और व्यंग्य है। तो ऐसे भाव है जो कि हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जो हमारे समाज के ऊपर, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं उनके ऊपर वो हंस रही हैं, तो किस प्रकार से इनकी हंसी का अलग अर्थ निकाला जा रहा है लेखक के द्वारा,
तो लेखक कहते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तो ये आगे हम अध्ययन करेंगे भाग दो के अंतर्गत कि लेखक के मन में ये क्यों विचार आ रहा है कि किस प्रकार का आदमी है जो कि विपन्न स्थिति में है लेकिन फिर वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और फटे जूतों में ही अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा है और ये किस पर हंस रहा है। तो ऐसे भाव जब लेखक के मन में आ रहे हैं तो इनका क्या उत्तर होगा, इसका जो जवाब क्या होना चाहिए, लेखक क्या विचार करता है इसके बाद में, तो वो हम पढ़ेंगे भाग दो के अंतर्गत। तो आज हमने पढ़ा है भाग एक के अंतर्गत जयशंकर ये प्रसाई जी का, हरिशंकर प्रसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते, तो जिसमें लेखक ने बाहरी जो दिखावा है उस पर प्रहार किया है कि एक महान साहित्यकार जो हैं, गद्यकार जो हैं, प्रेमचंद जी जो हैं, उनमें किसी प्रकार का जो दिखावा है वो नहीं था और वे वास्तविकता के पक्षधर थे। तो लेखक कहता है कि फटे हुए जूते पहने हुए हैं लेकिन फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं, तो वे किस पे मुस्कुरा रहे हैं, यह प्रश्न उनके बना हुआ है और इस प्रश्न का क्या उत्तर मिलता है उनको, वो पढ़ेंगे हम भाग दो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।